वेलकम टू माई चैनल सिविल्स गैलेक्सी। देखिए, आर एस स्पेशल जो क्विक रिविज़न की सीरीज़ है उसका पार्ट टू है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियोस छोटे छोटे इसलिए क्योंकि एक क्विक रिविज़न है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वाले जो वीडियो में बताया था कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा नॉट इम्पॉर्टेंट है, तो मैं नॉट इम्पॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस वो क्या है कि माइंड में सेट हो जाता है ये इम्पॉर्टेंट है सेट, तो वो भी होता है। नॉट इम्पॉर्टेंट कभी इनकेस, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है, मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़े भी हमारे से मिस्टेक हो, तो नॉट इम्पॉर्टेंट भी कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो वन लाइनर है इसमें फर्स्ट देखते हैं, मालदीव और जिस देश के बीच हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है वह चीन। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा जीबी पंत अस्पताल में दिल्ली वालों को जितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया 50% हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वह देश जो बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि से जुड़ने वाला 163वां देश बना है श्रीलंका, इम्पोर्टेंट है। वह देश जो बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि से जुड़ने वाला 163वां देश बना है श्रीलंका। केंद्र सरकार हाल ही में दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द ही निपटारे हेतु जितने स्पेशल कोर्ट का गठन करेगी 12, इम्पॉर्टेंट है। एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ युवा बॉक्सर हैं सचिन सिवाच, इम्पॉर्टेंट है। एशिया मुक्केबाजी परिसंघ के सर्वश्रेष्ठ युवा बॉक्सर हैं सचिन सिवाच। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सचिन सिवाच इनमें से कौन है, एक्टर, डायरेक्टर, कोई पॉलिटिशियन, तो सचिन सिवा क्या है, बॉक्सर है। नीरज बोरा का हाल ही में निधन किया गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, अभिनय एवं निर्देश से। ठीक है, फेडरल रिजर्व ने 13 दिसंबर 2017 को लिए गए फैसले में ब्याज दरों में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है 0.25%, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बैंकिंग वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पिछड़े वर्गों के लिए नॉन क्रिमिलियर की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया, 8 लाख, इम्पोर्टेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, फिर भी एक बार माइंड में रखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ओबीसी वालों के लिए है उसमें नॉन क्रिमिलियर की जो सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 8 लाख। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष में 2017-18 के लिए भारत का विकास दर अनुमान किया है 6.7%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन डेवलपमेंट हुआ, RBI हुआ, IMF हुआ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हुआ, जितने भी ये जिस इस टाइप की संस्थाएं हैं वो जो भारत की विकास दर बताती हैं ये अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिए ADB ने क्या बताया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है 6.7%। नेक्स्ट, भारत और जिस देश ने 14 दिसंबर 2017 को जल संसाधन, सड़क और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, मोरक्को, भारत और मोरक्को के बीच हुआ है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस देश ने राष्ट्रीय FM चैनलों का प्रसारण बंद FM करने का दुनिया का पहला देश बना है, नॉर्वे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए जो FM चैनल्स हैं नॉर्वे ने बंद कर दिए गए। वह शब्द जिसे ऑनलाइन डिक्शनरी में मीरियम वेबस्टर ने वर्ष 2017 का सबसे चर्चित शब्द बताया है, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, UPPCS वालों का कोई भरोसा नहीं है। भारतीय नौसेना द्वारा देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी जिसे नौसेना में शामिल किया गया है, INS कलावरी, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए INS कलावरी क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा देश में बनी पहली पनडुब्बी है, ये इंडिजीनियस पनडुब्बी है इसलिए याद करना जरूरी है, कलावरी क्या है, परमाणु पनडुब्बी है। वह राज्य जिसने हाल ही में नर्मदा और पार्वती नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको याद होना चाहिए कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं भी पता है तो कैसे टिक करना है, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नर्मदा और पार्वती नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। भारत ने विश्व बैंक के साथ इस परियोजना के लिए हाल ही में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के IBRD ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, संकल्प परियोजना, भारत ने विश्व बैंक के साथ
संकल्प परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर से आईबीआरडी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। संकल्प परियोजना क्या है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म खिलाड़ी 420 के निर्देशक थे। नीरज बोहरा, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इक्वेडोर के उपराष्ट्रपति का नाम जिन्होंने हाल ही में भ्रष्टाचार मामले में 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जॉर्ज ग्लास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा जॉर्ज ग्लास कौन है, पॉलिटिशियन है। कहाँ के पॉलिटिशियन है, इक्वेडोर के। भ्रष्टाचार के मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई है। वह देश जहाँ चलती हुई बुलेट ट्रेन में दरार का मामला सामने आया है, जापान। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में विकास दर, भारत की विकास दर निम्न में से कितनी होनी चाहिए, देखिए 7.2%। इसके पहले आया था एडीबी का, उसके बाद अभी आया, मैंने आपको बताया था एडीबी की कितनी है, 6.7%। अब इसमें आई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7.2%। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद ही रखिएगा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कहे जाने वाले विद्वान का नाम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, लालजी सिंह। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी के निदान के लिए पोलियो उन्मूलन की तर्ज पर घर घर उपचार पहुँच कर राष्ट्रव्यापी अभियान आरम्भ किया है। क्षय रोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वह व्यक्ति जिसे वर्ष 2017 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आईकेन एक संस्था है जिसे वर्ष 2017 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईकेन इम्पोर्टेंट है। वह राज्य जिसमें द ब्लेनियर्स फॉर्मर्स स्कूल नामक जागरूकता अभियान आरंभ किए जाने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है, इम्पोर्टेंट है। द मिलेनियर्स फॉर्मर्स स्कूल, उत्तर प्रदेश। वह देश जिसकी पहली महिला सेना को भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, अफगानिस्तान। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ महिला आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम प्रदीप यादव। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर तर्ज संभाली, प्रदीप सिंह खरोला। इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस राज्य सरकार ने देश के सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल के रूप में कामाख्या मंदिर को तैयार करेगी, असम। ये पता ही, असम कहाँ पर है, सॉरी कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन के 2 वर्ष पुराने मामले को मैं इस आईएएस अफसर को निलंबित करने का आदेश दिया है, राजीव रौतेला। याद रखिएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है, इसलिए याद रखना जरूरी है, राजीव रौतेला। ऐसे याद नहीं हो रहा हो तो उर्वशी रौतेला से याद कर लीजिए। हाल ही में जिस राज्य कैबिनेट ने संगठित अपराध से निपटने हेतु यूपी कोका विधेयक को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश। यूपी कोका विधेयक पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी। ओकला द्वारा जारी किए गए नवंबर स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग 109वें स्थान पर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में खेल मंत्री भारतीय टीम के पूर्व कप्तान गुरुदेव सिंह गिल को सम्मानित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। हाल ही में गृह मंत्रालय ने जिस राज्य में बॉर्डर विकास हेतु 774 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 6, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस देश ने मिस्र के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण से जुड़ी संधि पर हस्ताक्षर किए, रूस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में जिस देश के हुए संसदीय चुनाव में वाम गठबंधन ने 2/3 सीटों पर जीत दर्ज की है, नेपाल। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा देश और हमारे देश के आसपास के पड़ोसी देश से संबंधित जितनी भी जानकारी है हमें पता होनी चाहिए, तो वो है नेपाल। श्रीलंका ने 9 दिसंबर 2017 को हम्बनटोटा बंदरगाह जितने साल के लिए औपचारिक रूप से चीन को दे दिया गया, 99 साल के लिए श्रीलंका ने। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को दे दिया है, ठीक है। यहाँ से अब चीन हमारे देश पर अच्छे से नज़र रख सकता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी से कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है, श्रीलंका में। किसको दिया है, चीन को दिया है। कितने साल के लिए दिया है, 99 साल के लिए। वह कंपनी जिसने भारत में स्मार्टफोन बेचने के बाद इलेक्ट्रिक
कार बेचने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है शाओमी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने से मना कर दिया गया है, यूरोपीय यूनियन। यूएस ने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी बताया है, पर यूरोपियन यूनियन इसे मानने से मना कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत एवं रूस सहित इस तीसरे तीसरे देश के एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है चीन। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है। इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर से देखिएगा डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंखों के इस रोग को भारत से मुक्त करने की घोषणा की गई है। ट्रकोमा, वह देश जिसे 33 वर्षों से लगी सिनेमा पर रोक हटाने की घोषणा की है सऊदी अरब। वह राज्य जिसमें नव कृष्णा चौधरी सिंचाई उन्नयन योजना शुरू की है उड़ीसा। वह राज्य जहां हाल ही में परजीवी पौधा लगाया गया है नागालैंड। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि पेपर को टफ बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले लिए जाते हैं। इन्हें हाल ही में रॉबर्ट मुगावे के स्थान पर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, एमसर मनमन गवांग। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में जो रॉबर्ट मुगावे के स्थान पर बनाया गया है एमसर, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसके द्वारा जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 9 अरब यूरो का वित्तीय योगदान की घोषणा की गई, यूरोपीय संघ। यूरो की बात आई तो अब जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन होगी, अगर अमेरिका करता है तो डॉलर में करता। तो इस टाइप के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, वो याद रखिएगा। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान जिन्हें राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा सम्मानित किया गया है, गुरदेव सिंह गिल। इसके पहले भी आया था ये क्वेश्चन। यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस देश को 4 लाख बच्चों की भूख से मृत्यु हो सकती है, कॉन्गो। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी याद रखनी है आपको। तो कॉन्गो में 4 लाख बच्चों की मृत्यु भूख से हो सकती है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रियंका चोपड़ा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह राज्य सरकार जिसने आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए कैदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है, राजस्थान। इम्पॉर्टेंट है। वह सिख अमेरिकी व्यक्ति जिसे पहली बार न्यू जर्सी अटॉर्नी जनरल हेतु नामांकित किया गया, गुरवीर सिंह ग्रेवाल। याद रखिएगा, सिख अमेरिकी व्यक्ति जिसे न्यू जर्सी अटॉर्नी जनरल के पद हेतु नामांकित किया गया, गुरवीर ग्रेवाल। वह खिलाड़ी जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में तीसरा दोहरा शतक लगाने का अवार्ड बनाया, रोहित शर्मा। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा इस पुरातन ढांचे को मानवीय निर्मित का दावा दिया गया है, राम सेतु। इम्पोर्टेंट है। भारत के 69वीं गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था आसियान देशों के प्रमुख। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 69th गणतंत्र दिवस में मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे किसे आमंत्रित किया गया था, जितने भी आसियान देश है उनके प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में LPG बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना हेतु 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, मेघालय। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश की राजधानी के रूप में यरूशलम की अमेरिकी मान्यता को खारिज किया गया, इसराइल। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। भारत ने कलिंग स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 2-1 से पराजित करने हेतु पदक जीता है, कांस्य पदक। जिस शहर में 11 से 12 दिसंबर 2017 को आसियान भारत संपर्क में शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट है। दक्षिण कोरिया, जापान और जिस देश ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच संयुक्त मिसाइल खोज अभ्यास शुरू किया है, अमेरिका। जाहिर सी बात है, अमेरिका ही परेशान है। जिस बैंक ने लोगों को बैंक खाते में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं के प्रति सचेत हेतु SMS अभियान तथा मिस्ड कॉल हेल्पलाइन शुरू किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी बैंक ने शुरू नहीं किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। SBI और ये सब मत लगाइएगा, याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस विश्व भर में जिस तारीख को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।